केजी कीमा है। अब हमें हाफ केजी कीमा के अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट, 1 टीस्पून हम डालेंगे लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 टीस्पून इसमें जाएगी दादर मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ सूखा धनिया और इसमें आ जाएगा 1/2 टीस्पून चाट मसाला और इसमें 1 टीस्पून जाएगा जीरा। तकरीबन हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून मेथी और अब हमारे मसाला जात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इसकी मिक्सिंग की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इन सारे अज्जा को मिक्स कर लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स याद रखें हमने कीमा कराते हुए इसके अंदर हरी मिर्च अदरक और प्याज को बीच में ही कीमा करा लिया था। तो अब हम इन मसाला जात को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है, पहले आप स्पून की मदद से मिक्स करें फिर इसको आप हाथ से मिक्स करें। नाज़रीन हमारा कीमा मिक्स हो चुका है। जब हम इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो इसमें पहले सबसे हम डालेंगे 1 टमाटर मीडियम साइज़ का 1 टमाटर और 2 बॉयल्ड एग्स। यस 2 बॉयल्ड एग्स। यम यम यम, ये जो चपली कबाब आज की जो रेसिपी है बहुत मज़े में आने वाली है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको भी कीमे की तरह मिक्स कर लेंगे और इसके अब हम टिक्कियाँ बनाएंगे, चपली कबाब बनाएंगे और इसे अब हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स हमने इसे चपली कबाब की शक्ल दे दी है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ओह माय गॉड, ओह माय, देखिए साथ ही इसके अंदर तो फ्रेंड्स अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हम इसकी साइड थोड़ी जगह चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से कुक हो गया है, अब हम इसको तवे से उतारेंगे।